उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने गंगा के शुक्रताल स्थित गंगा में मां गंगा की धारा लाने पर आरती की और जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद अब विपक्ष मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गया है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि जिसके लिए पूरे जनपद में 8 दिन से चहलकदमी और काम किया जा रहा था, उस हिसाब से उन्होंने जनपद के हालात को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण पर भी कोई चर्चा नहीं हुई और न ही जनपद में आई बाढ़ पर कोई चर्चा हुई। जनपद में बाढ़ से गरीब किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं या उनके मकानों में पानी भर गया है। इन बुनियादी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश और जनपद का माहौल खराब करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्यप समाज सैनी समाज और त्यागी समाज की बेटियों की चर्चा की। ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की बेटी को उठा ले जाए। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी शुक्रताल में आए थे, जिसके लिए जनपद के सभी नेता और हमाम जनपद के सभी अधिकारी 7-8 दिन से पूरी चहलकर्मी जनपद में हो रही थी, पर उन्होंने ना तो जनपद के हालात को समझा, ना उन्होंने मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की कोई चर्चा की, ना उन्होंने जनपद में आई बाढ़ की चर्चा की। जनपद में बाढ़ से किसान की जो फसलें बर्बाद हुई हैं और गरीब लोगों के जो मकान गिर गए हैं, जिनके मकानों में पानी भर गया है, ना उस पर कोई चर्चा की। उन्होंने चर्चा अगर जनपद के अंदर की है, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जो चर्चा की है, उन्होंने चर्चा की है किस तरह लोगों को आपस में लड़ाकर दोबारे से इस जनपद का माहौल खराब किया जाए और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। जैसे कि उन्होंने कश्यप समाज की बेटी की चर्चा की, उन्होंने सैनी समाज की बेटी की चर्चा की, उन्होंने त्यागी समाज की बेटी की चर्चा की। ये जनपद मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ना किसी की हिम्मत सैनी समाज की बेटी को उठाने की हुई, ना त्यागी समाज की बेटी को उठाने की हुई, ना कश्यप समाज की बेटी को उठाने की हुई। ये जनपद के लोग इतने कमजोर लोग नहीं है जिस तरह उन्होंने स्वतंत्र देव जी ने चर्चा की और यहाँ के समाज को और यहाँ के पूरे प्रदेश के लोगों को कलंकित करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उनकी घोर निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी सबके सामने उजागर करने का उन्होंने काम किया इसके माध्यम से। क्या मोरना शुगर मिल की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पर मोरना के किसान कितने तरसते हैं, अपने गन्ने को ले जाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। 7-8 साल से प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है और 9 साल से देश के अंदर सरकार चल रही है। क्या एक शुगर फैक्ट्री के विस्तारीकरण की चर्चा वहाँ पर उस मंच पर नहीं होनी चाहिए थी? जो किसान है, जो किसान अन्नदाता है, पूरे देश में को खिलाता है पिलाता है, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? जिनके गन्ने की फसलें बर्बाद हो गई, जिनके गरीब लोगों के मकान गिर गए, जिनके घरों में पानी भर गया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई? उन्होंने देखो इन जातियों को नाम लेकर हिंदू समाज को जिस तरह की एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान, उसी तरह इन्होंने इन तीनों समाजों के नाम लेकर हिंदू समाज को कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या मणिपुर में किस तरह की घटना देश के अंदर हो गया, क्या उनको हालात नहीं पता? भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बोलता भी नहीं। कहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर? मणिपुर में क्या हाल है देखो, महिलाओं के साथ किस तरह की घटना हो रही है वहां पर, और कोई चर्चा भी नहीं करता? शुक्रताल की पावन धरती पर आकर उन्होंने जनपद में इन तीन समाज के लोगों को नाम लेकर इनकी एक तरह से इनको अपमानित करने का काम किया। क्या कोई त्यागी समाज इतना कमजोर है उनकी बेटी को कोई उठा लेगा? क्या सैनिक समाज इतना कोई कमजोर है उनकी बेटी को कोई उठा लेगा? क्या कश्यप समाज के लोग इतने कमजोर है उनकी बेटी को कोई उठा लेगा? हमने तो जनपद में इस तरह की बात नहीं सुनी। जनपद मुजफ्फरनगर बहन बेटियों का सम्मान करता है और सभी वर्गों की बहन बेटियां अपनी बहन बेटियां होती है। छवि बताई गई है 2017 से, क्या वो सचमुच नहीं, ऐसी तो कोई छवि नहीं होगी उनको, हो सकता है उन्हें तो वही दंगा कराना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, बाकी कोई सोच नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की।
किसान बर्बाद हो गया। मैं स्वतंत्र देव सिंह से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या उन्होंने कोई किसान की चर्चा की? किसान की कितने फसलें बर्बाद हुई हैं? क्या गरीब लोगों के मकान गिर गए, उनके घरों में पानी भर गया, क्या उसकी चर्चा की उन्होंने? क्या मोरना शुगर मिल की विस्तारीकरण की उन्होंने चर्चा की जो किसान चाहता है? एक चीज की भी चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने चर्चा की है हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान की।